नहीं दी आरडी खाते की राशि। अब तक सहारा इंडिया देगी 2.5 लाख रुपए। 22 नवंबर 2019 की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों, कस्टमर प्रोटेक्शन की ये एक बड़ी न्यूज़। कुरुक्षेत्र आरडी स्कीम की मैच्योरिटी अवधि के बाद उपभोक्ता को पूरी राशि देने से इनकार करना सहारा इंडिया परिवार को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता निपटारा फोरम ने कंपनी और उसके एजेंट को 2.5 लाख रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने का हुक्म दिया। क्या है मामला? सचिन ललित पुत्र अशोक कुमार निवासी सौदागरन मोहल्ला थानेसर ने एजेंट नरेश कुमार के माध्यम से 11 फरवरी 2013 को सहारा इंडिया परिवार की मेन रोड स्थित स्थानीय ब्रांच में आरडी खाता खोला था, जिसके लिए उसे हर महीने 300 रुपये 5 साल तक जमा करवाने थे। ब्रांच मैनेजर और एजेंट नरेश कुमार ने भरोसा दिलाया था कि इस स्कीम में 5 साल के बाद उसे 2.3 लाख रुपये मिलेंगे। उसने लगातार 5 साल तक सहारा इंडिया में आरडी खातों में 1,80,000 रुपया जमा करवाए दिए थे, जिसकी प्रविष्ट पासबुक में दर्ज थी। या दोस्तों, इनके पास जो पासबुक थी उसमें इनका जमा धन पूरा लिखा हुआ था। मैच्योरिटी अवधि के बाद उसने कंपनी को स्कीम के अंतर्गत 2.3 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों, 2,30,000 रुपए देने के लिए कहा, तो कंपनी वाले टाल मटोल करते रहे। इस दौरान उसने कई बार अधिकारी और एजेंट नरेश कुमार को भी राशि जारी करने की अपील की, परंतु उन्होंने कोई परवाह नहीं की तथा आखिर में पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कंपनी को 19 मई 2018 को लीगल नोटिस भी भेजा गया था। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाज़ा खटखटाया। जिला उपभोक्ता का झगड़ा निपटारा फोरम की प्रधान नीलम कश्यप ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद आदेश दिया कि कंपनी के एजेंट 45 दिन के भीतर पीड़ित को 2,30,000 रुपये और मानसिक परेशानी के एवज में 10,000 रुपये अदालती खर्च के तौर पर 10,000 रुपये अदा करे। तो दोस्तों, ये बड़े फैसले उपभोक्ता फोरम से निपटारे किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ बता दूँ, यह सिर्फ एक आदेश होता है और आदेश मात्र ही बनकर रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आदेश के बाद उपभोक्ता फोरम ये नहीं देखते कि निवेशक का पैसा उनकी समय सीमा के अंदर, जी हाँ दोस्तों, जो उपभोक्ता फोरम समय सीमा बांधती है कि 30 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर इन निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। तो दोस्तों, फरमान तो सुना दिया जाता है निवेशक के हित में, लेकिन सहारा इंडिया की ऑफिसों में जाते हैं और वहाँ पर निवेशक धक्के खाते हैं, लेकिन उपभोक्ता फोरम का भी कोई फरमान सहारा की ब्रांचों पर नहीं निपटारा किया जा रहा। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हिस्ट्री न्यूज़ चैनल। खबर अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।